आपको कैसा लग रहा है? इन दिनों आप क्वेश्चंस प्रॉपर कर रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि इस तरीके से जो क्लास चल रही है काफ़ी इफेक्टिव है और आप भी प्रॉपरली समझकर क्वेश्चंस प्रॉपरली कर रहे हैं। आज हम 7.6 में जो रिमेनिंग पार्ट पेंडिंग था उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वहाँ हम एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर राइट किया हुआ है, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट डी एक्स। इसका रिजल्ट लिखा हुआ है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलता है, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन के भी आने की चांसेस रहती है बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्लियरली होना चाहिए आपके दिमाग में कि e पावर x इज ए फंक्शन एंड देयर आफ्टर टू फंक्शंस, वन इज द फंक्शन, वन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। मीनिंग एक तो फंक्शन दिया जाएगा आपको और एक उसका डेरिवेटिव होगा, चाहे डेरिवेटिव यहां लिखा हो सकता है चाहे फंक्शन यहां लिखा हो सकता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर इस तरह के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन आपको दिया गया है तो उसका आंसर क्या होगा, e पावर x इनटू एफ एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स, अभी कैसे आ रहा है उसको हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, e पावर x एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x एफ डैश एक्स, राइट, और विद रेस्पेक्ट टू x कर ही रहे हो तो इसको लेफ्ट को आपने राइट कर लिया लाइक दैट। अब क्या करेंगे कि दिस इज द पार्ट वन, दिस इज द पार्ट टू। हम पार्ट वन को सिंप्लीफाइड करते हैं, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का रूल पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, वो यहाँ अप्लाई करना आपको। क्या करेंगे, e पावर x को आप क्या कर दें, इंटीग्रेशन के अंदर ले लें, राइट है। e पावर x को कहाँ ले लेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर, और एफ एक्स को कहाँ ले लें, मीनिंग एफ एक्स को u बना दें और e पावर x को v बना दें, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x और ये dx। और ये सेकेंड पार्ट जो आपका कंप्लीट है, जिसको मैं नाम भी दे सकता हूँ i2, ये i1, i1 का आप कंप्लीटली यहाँ वर्क कर चुके हैं, i2 को सिमिलरली यू कैन राइट हियर i। अब सिंपलीफिकेशन करते हैं, fx इज सेम, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ fx जो कि क्या होगा f डैश x, और इंटीग्रेशन ऑफ fx राइट है, क्या कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखोगे आप, दिस इज सेम, और i2 क्या था, i2 दिस इज e पावर x f डैश x dx राइट है क्या। अब आप क्या देख रहे हो, देयर आर टू फंक्शन विद अपोजिट साइन, दे विल बी कैंसिल टू ईच अदर, द रिजल्ट विल बी e पावर x fx। तो हमने क्या कहा कि अगर अपने पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि e पावर x फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, देन द रिजल्ट विल बी रिटन लाइक दैट, e पावर x एफ एक्स, और इसका प्रूफ आपने यहाँ कर लिया है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो यहाँ लिख रहे हैं, आपको प्रॉपरली समझना है, प्रॉपर ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बना बनाया मिल जाता है, कई बार क्वेश्चन हमें बनाना पड़ता है। तो गाइस, सबसे पहले क्लियर करें कि अपने पास क्वेश्चन नंबर अप्रॉक्स 16 नंबर क्वेश्चन इज देयर, ई पावर एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस फॉर्मेट से कंपेयर करें, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फॉर्मेट में मिलेगा, या आपको कुछ अमेंडमेंट करके कुछ फॉर्मेशन चेंज करके बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा है और वो इस फॉर्मूले पर बन जाता है, इट मींस आंसर विल बी प्रोसीड टू द ई पावर एक्स इनटू एफ एक्स। तो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ अगर हम इसको एफ एक्स सेलेक्ट करते हैं, सपोज एफ एक्स इक्वल
साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, दैट इज एफ डैश एक्स, और वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स मीनिंग कॉस एक्स, राइट है। इट मीन्स दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब आपको यहाँ रेफरेंस देना है इस फॉर्मूले का। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक दैट। अंडरस्टूड ऑल? नाउ टेक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। एक्स ई पावर एक्स, एक्स ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो अब आप कहेंगे कि ये तो किसी भी तरीके से इस तरीके का नहीं लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्स को आप ऐसा लिख देंगे, एक्स प्लस वन माइनस वन ऐसा लिख देते हो तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं आता है। तो लिख दें आप यहाँ पर ऐसा, अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और आउटसाइड ई पावर एक्स डीएक्स। इसका डिनोमिनेटर का डिवीजन हमें किस में करना है, इसमें भी कर देना है और इसमें भी कर देना है। तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स, राइट है। अब आप स्टूडेंट जानते हैं कि वन अपॉन एक्स इफ इट इज ए फंक्शन देन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, जो कि यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा यहाँ लिख लें, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको इससे कंपेयर करते हैं, दिस इज द एफ एक्स, दिस इज द एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या होगा, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। और दोबारा लिखें तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स प्रॉपरली आपको सिस्टम को फॉलो करना है एंड गो थ्रू विद द पर्टिकुलर क्वेश्चंस, सॉल्व द गिवन मेथड विच इज नाउ वी आर टेलिंग, अप्लाई ऑन द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 18 नंबर। यहाँ लिखा हुआ ई पावर एक्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो अब ये भी क्वेश्चन आपको लग नहीं रहा इस तरीके का है, तो मैंने पहले ही कहा है कि क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आपको दे दिया जाता है आप डायरेक्ट आइडेंटिफाइड कर लेते हैं तो आंसर दे देंगे इस फॉर्मूले का रेफरेंस दे करके। पर क्वेश्चन नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन को, ई पावर एक्स ब्रैकेट वन इज सेम, साइन एक्स की जगह लिखो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। सबको पता है साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एंगल करोगे तो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। डाउन साइड वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है यहाँ तक। इसका डिवीजन इसमें भी कर दें और इसका डिवीजन इसमें भी कर दें। तो दोबारा कैसा लिखा जाएगा ये क्वेश्चन, तो देखो दोबारा किस तरीके से लिखेंगे हम। यहाँ लिखते हैं ई पावर एक्स ब्रैकेट वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, डिवीजन में है तो ऐसे लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर प्लस अब क्या आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा टेन एक्स बाई टू
dx सही है। अब आप देखें कि अगर इसको आप fx कंसीडर कर लें, लेट tan x by 2 इक्वल t और fx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x by 2 क्या होगा, sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1 by 2 इक्वल इंटू dx इक्वल dt, तो दिस इज द f डैश x, अंडरस्टूड दिस। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर f डैश x है और यहाँ पर f x है, तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, e पावर x इंटू tan x by 2 प्लस c, इस फॉर्मूले का रेफरेंस आप यहाँ दे देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसी सिस्टम में आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। 19 में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या करना है कि e पावर x 19 में अगर बात करें तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x - 1/x² dx। स्टूडेंट्स जनरली गलती क्या करते हैं, वो मान लेते हैं कि दिस इज़ द f डैश x, पर ये f डैश x नहीं है। अगर 1/x का हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तो आएगा -2/x² जो कि यहाँ नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है। और इसका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूल से इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन में लेना है और इसको आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन लेना है और सॉल्व करना है, उसमें सेक एक पार्ट ये आएगा प्लस साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा e पावर x 1/x + c। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलें, वहाँ भी कुछ फॉर्मेट आपको बनाना है। वो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 e पावर x अपॉन x माइनस 1 पावर 3, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, x माइनस 3 e पावर x। तो अब ये भी दिख नहीं रहा आपको कि ये फॉर्मेट में है, तो आप बना सकते हो, ऊपर x माइनस 3 को आपको चेंज करके लिखना है कि x माइनस 3 इक्वल x माइनस 1 माइनस 2, कैन वी राइट सेम, नाउ इट शुड बी सब्स्टिट्यूट एट द पोजीशन ऑफ x माइनस 3 एंड इट विल बी रिटर्न लाइक दैट डिवाइडेड बाय x माइनस 3 पावर 3 और आउटसाइड क्या, e पावर x dx। अब आपको क्या करना है, इसका डिवीज़न यहाँ भी करना है, इसका डिवीज़न यहाँ भी करना है और अब इसको लिखना है 1/x - 1² - 2/x - 1³ e पावर x dx। अब देखो आप, अगर इसका डेरिवेटिव आप करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर x माइनस 1 पावर 2, तो यहाँ इसको अपसाइड ले लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, देखो -2 x - 1 पावर -3 यही आएगा डेरिवेटिव। इसको आप दोबारा लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3, देखो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है ये रही, इट मीन्स दिस इज़ द एफ एक्स, दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ आप प्लस को यहाँ करके माइनस इसके यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, e पावर x इंटू 1/x - 1² + c। तो गाइस 7.6 में जो आइडेंटिटी थी वो हमने डिस्कस कर ली और अब आपको इसके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेने हैं प्रॉपरली, 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करें। इफ़ यू गेट एनी क्वेरीज एंड डिस्कस ऑन द पर्सनल नंबर, होप दिस वीडियो विल बी लाइक्ड बाय यू एंड शेयर इन योर ग्रुप एज वेल एज फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू वेरी मच।